हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। वेल बच्चे, अब बात करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस की वन बाय वन। आपको टाइमिंग बच्चे हम मेंशन कर देंगे, ओके? तो आपको पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो उस पर जाकर के आप देख सकते हैं, ओके? ठीक है बच्चे। और लास्ट वीडियो में जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पर आपको एक्सप्लेन किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो बेटा उसको जाकर के जरूर देखें। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में। तो बेटा स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर वन। देख बेटा, क्वेश्चन नंबर वन में हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमें इन पॉइंट्स के बीच में क्या करना है बेटा, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यही हमारा क्वेश्चन आपका। हाँ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट पेयर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है? इनके बीच में हमें डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। आप कैसे करेंगे बेटा, आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला ऑलरेडी आप जानते ही हैं। तो अगर बेटा मैंने इसको ए पॉइंट माना और इसको मैंने बी पॉइंट माना, तो बेटा इजीली आप निकाल सकते हैं ए बी के बीच में जो डिस्टेंस हमारा आएगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। आप सभी को पता है क्या होता है बेटा, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस में वाई वन वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है। अब यहां से बेटा अगर हम इस डिस्टेंस को निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे बेटा, x2 यानी कि हमारे पास हो गया 4 इज द x2, इसको हमने x1 माना, तो ये हमारा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये हमें मिल जाएगा यहां से। 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा आपका 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहां पर आपका, और ये हो जाएगा प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इट विल गिव्स यू ये जाएगा हमारा 4 प्लस 4, देन यहां से हमें मिल जाएगा कितना जाएगा बेटा, रूट 8 यूनिट्स आ जाएगा। और रूट एट यूनिट्स का मतलब होता है 2√2 यूनिट्स। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके क्लास, इट्स क्लियर और नॉट, दैट्स गुड। अब देखो बेटा पास सुनिए, अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूँ तो फर्स्ट पार्ट हो गया, फॉर्मूला सेम ही लगना है सेकंड पार्ट में भी, ओके? तो आप कैसे निकालेंगे, सिंपल वे, सेम तरीके से आपने इसमें भी करना है। कैसे करेंगे देखो बेटा, माइनस वन माइनस फाइव, माइनस वन में से अगर आप माइनस फाइव को माइनस करेंगे यू विल गेट प्लस फाइव, प्लस में थ्री माइनस सेवन, तो ये आपका थ्री माइनस सेवन का होल स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा बेटा, माइनस फोर प्लस फाइव, इट विल गिव्स यू फोर, फोर स्क्वायर प्लस माइनस फोर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका सिक्सटीन, प्लस सिक्सटीन, इट विल गिव्स यू रूट 32 यूनिट्स, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 4√2 यूनिट्स इज द आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर है कि नहीं है? ओके, अगर बेटा थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में भी आपको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देखिए बेटा, देख लो, अगर मैं निकालूं यहां से फॉर्मूला तो क्या बनेगा बेटा, माइनस में a को माइनस करेंगे a से, a माइनस में a में से हम a को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उसका स्क्वायर हो गया, प्लस में हो जाएगा माइनस b, माइनस b का होल स्क्वायर, तो यहां से हमें मिलेगा अंडर रूट माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस में माइनस 2b का होल स्क्वायर, इट विल गिव्स यू ये हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, डन। अब यहां से क्या करेंगे बेटा, देखो 4 तो कॉमन हो जाएगा आपका, ठीक है? अब स्क्वायर रूट निकालते हैं, 2 बाहर आ जाएगा और अंदर के बचेगा रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर। आई बस समझ में कि नहीं है बेटा, ठीक है? तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, और फर्स्ट क्वेश्चन भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर टू की, टिल दैट पोज वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए बच्चे, ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की। क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोला गया बेटा आपसे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। ओके, अब क्या बोला गया बेटा यहाँ पर आपको, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है, अब इसके बीच में डिस्टेंस आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद बताना है बेटा दो टाउन्स के बीच में क्या आप डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, सेक्शन जो आपका 7.2 में मेंशन है वो क्या है वो आपको बताते हैं। देखो बेटा, पहले डिस्टेंस निकालना बेटा आपके लिए अब ईजी हो चुका है। अब मैंने ए और बी पॉइंट मान लिया उसको, तब उसको निकाल सकते बेटा ऐसे, ए बी इज जस्ट गिवन बाय। अच्छा बेटा सुनो, ये जो डिस्टेंस आपका ओरिजिन से, ए आपका ओरिजिन हो गया और ये आपका क्या हो गया, कोई पार्टिकुलर पॉइंट हो गया एक्स को मैं वाई ले लेते हैं उसको, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या बन जाता है बेटा, ओरिजिन से डिस्टेंस का एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर हो जाता है। तो डैट मीन्स द आंसर विल बी लाइक दिस, 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर
इट विल गिव्स यू 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा आपका 1296 और 15 का स्क्वायर होता है 225. दैट इट विल गिव्स यू रूट 1521 जो कि होता है बेटा आपका 39 का स्क्वायर होता है. ठीक है, तो इट विल गिव्स यू 39 यूनिट्स. ओके बच्चे, यहाँ पर 7.2 जो सेक्शन है उसमें क्या बोला गया है, दो टाउन्स आपके पास हैं. ठीक है, इसमें हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन लिखे तो बेटा वो बोल रहा है कि बेटा जो बी नाम का जो टाउन है ना आपका, ये अगर आपका ए टाउन है यहाँ पर 0.0 स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं. ठीक है, वो क्या बेटा 36 किलोमीटर क्या है ईस्ट डायरेक्शन में है और यहाँ से 15 किलोमीटर क्या बेटा आपका नॉर्थ डायरेक्शन में है. टाउन कौन सा, बी टाउन. तो क्या बेटा आप ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली बात है, आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से. यस, वी कैन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड बी, जो कि कितना होगा बेटा, जो कि होगा आपका ए बी इक्वल टू होगा 39 किलोमीटर होगा. ठीक है, एग्जैक्टली यही तो होगा बेटा, है ना, कैलकुलेशन उसकी यही होगी. ओके, और हमें किलोमीटर में गिवन है इसलिए हमने इस किलोमीटर में मेंशन कर दिया. तो आई होप बेटा क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर हो गया है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा कमेंट करके जरूर बताएं आप मुझे. अब बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3. देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखें तो उसमें क्या बोला गया, डिटरमाइन वेदर जो आपके पॉइंट्स आपके हैं बेटा, हाँ ये जो आपको मैंशन डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1.5, 2.3 एंड -2, -11 आपके कोलिनियर्स है कि नहीं है. ओके, और बेटा आपको पता होना चाहिए कोलिनियर्स की जो कंडीशंस होती है कि अगर तीनों लाइंस आपके, तीनों पॉइंट्स आपके जो हैं अगर स्ट्रेट लाइन में आते तो कोलिनियर्स होते हैं. और स्ट्रेट लाइन में कब लाई करेंगे बेटा, जब सपोज कीजिए मैंने जो ए पॉइंट लिया है यहाँ पर और बी पॉइंट मैंने जो माना है और सी पॉइंट जो मैंने माना है, यहाँ पर अगर आपका ए बी डिस्टेंस और बी सी डिस्टेंस अगर ए सी डिस्टेंस के इक्वल आ जाए तब बेटा ये आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होंगे, अदरवाइज कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आपके नहीं होंगे. तो यही हमें करना पड़ेगा ना बेटा, हमें क्या करना है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है और बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, देन आपको ए और सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो करते हैं बेटा, देखिए स्टार्ट करते हैं उसे. पहले हम ए बी फाइंड आउट करेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी को आता है, आता ना बेटा. तो क्या हो देखो, 2-1, 3-5, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, देखो ये हो जाएगा हमारा माइनस, देखो 2-1 यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर आपके पास. प्लस में यहाँ बचेगा -2 का स्क्वायर, तो यहाँ से मिलेगा बेटा ये होगा 1 प्लस में 4, तो आगे आपका 5 यूनिट्स आ गए, रूट 5 यूनिट्स. ठीक, क्लास क्लियर होगी बात, वेरी गुड. ऐसे बेटा आप निकाल देंगे यहाँ से बी से भी निकाल देंगे, तो बी से डिस्टेंस हमारा आएगा अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर प्लस -11, -3 का होल स्क्वायर, इट विल गिव्स यू -4 का स्क्वायर रहेगा बेटा यहाँ पर, ये -4 रहेगा ना, तो इट विल गिव्स यू -4 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये 16 प्लस 196 दैट मीन्स अंडर रूट 212 यूनिट्स. ओके डन, परफेक्ट क्लियर टू ऑल, दैट्स गुड. अब बेटे यहाँ से आप निकाल लेंगे, लास्ट में आप ए सी निकाल लीजिए. तो ए सी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ए सी डिस्टेंस जैसे गिवन अप बाय सी और ए के बीच का डिस्टेंस ना, -2 में से माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ पर, और -11 में से आप माइनस कर देंगे 5 का, तो यहाँ से ये मिलेगा आपको, ये हो जाएगा बेटा -3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका -16 का स्क्वायर. ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से आपका, ये 9 प्लस में 256, इट विल गिव्स यू रूट 265 यूनिट्स. ओके बेटा, अब देखा जाए तो बेटा जो आपका ए बी है प्लस बी सी है इसका डिस्टेंस जो बेटा ए सी के बराबर नहीं आ रहा है, तो डेट मीन्स ये आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स नहीं होंगे. तो यहाँ पर देखा हमने हियर रूट 5 प्लस रूट 212 इज नॉट इक्वल्स टू रूट 265, तो इसका मतलब ये देयरफॉर these are not collinear points.
डन, क्लियर बेटा? तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ओके? तो कॉलियर्स की बड़ा कंडीशन ध्यान रखनी है आपको, मैंने एग्जांपल में भी आपको बताया था, एक हमने एग्जांपल भी किया था लास्ट वीडियो में, एग्जांपल क्वेश्चन, ओके? तो वहाँ पर भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आपको बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बड़ा कमेंट जरूर करके जाएं, ओके? अगर नए हैं तो बेटा सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है बेटा? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलिए बेटा। ओके लास्ट, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, एक्सेल 7.1 के, तो क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, देखो, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर व्हाट इज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको चेक करना है बेटा कि जो हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की वर्टिसेस है। तो उसके लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर दो साइड की जो लेंथ है वो इक्वल आ जाए तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। देखो कैसे, अगर सपोज कीजिए बेटा इन पॉइंट्स को मैं लेके चलता हूँ, ये राइट, ये हमने ट्राइंगल बना दिया यहाँ पर इस तरीके से, इसको मैंने ए नाम दिया, इसको मैंने बी नाम दिया, इसको मैंने सी नाम दे दिया। अगर मैं बेटा इसको मान लेता हूँ कोऑर्डिनेट्स 5, -2 मान लेता हूँ, और इस कोऑर्डिनेट को मैंने ले लिया 6, 4 ले लिया, और इस कोऑर्डिनेट्स को मैंने ले लिया बेटा 7, -2 ले लिया, सपोज कीजिए, मान लेते इसको, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। अब हुआ कि बेटा बात सुनो ध्यान से, अब देखो बेटा इस बात सुनो ध्यान से, अब हमें क्या बोला गया बेटा, हमें बताना है कि ये जो हमारा है आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे बेटा, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अब पहले हम निकाल लेते हैं बेटा ए बी के बीच और डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे आप, ठीक है, ये करेंगे ना बेटा अंडर रूट, क्या होगा बेटा, देखो 6 - 5 यहाँ पर होगा, 6 - 5 का होल स्क्वायर, इसको हमने ए माना, इसको हमने बी माना, इसको हमने सी पॉइंट माना, प्लस में हो जाएगा 4 - ये माइनस में ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, दैन इट विल गिव्स यू 6 - 5 क्या होता है बेटा, आपका 1 होता है, डैट विल बी 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 + 2 यानी कि 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 + 36 यानी कि रूट 37 यूनिट्स आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है नहीं बेटा? है ना, वैसे आप क्या निकालेंगे यहाँ से, बी सी भी फाइंड आउट कर लेंगे, और बी सी कैसे निकलेगा, अंडर रूट, ठीक है, ये हो जाएगा 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस में 4 - +2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, तो डैट मीन्स आपका इसका आंसर भी कितना आएगा बेटा, √37 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा बेटा, ठीक है। अब बेटा थर्ड साइड भी निकाल लेते हैं यहाँ से, देखो ए सी, वैसे दो से काम चल जाएगा ना, दो साइड से इक्वल हो ही है, ओके। अब थर्ड साइड अगर बेटा आपके ए सी निकाल दो, 7 - 5 का स्क्वायर प्लस में -2 + 2 हो जाएगा बेटे, तो जाएगा आपका 7 - 5 हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, और ये तो हो गया बेटा 0 हो गया, तो डैट मीन्स आंसर क्या आएगा, 2 यूनिट्स आ जाएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन ये मिलता है बेटा, आपको जो ए और बी, ए बी और बी सी का डिस्टेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। हेयर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, दैट इज इक्वल्स टू √37 यूनिट्स, सो डैट मीन्स these are the vertices of an isosceles triangle. So हम लिखेंगे therefore these are the vertices of an isosceles triangle. ठीक है बेटा, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर यहाँ से बोलते बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, तो आप तीनों साइड्स का निकाल के देखते, तीनों साइड्स जो आपके सेम आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है? तो आपने क्या करना, डिस्टेंस फॉर्मूला से चेकआउट कर सकते हैं आप ऐसा, ओके, ठीक है बेटा? जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था ना, इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट लगाया था, ओके। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना बेटा, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटा जरूर बताएं मुझे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा आगे बढ़े, आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं बेटा, नोट डाउन कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा मैं क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ टॉपिक क्या क्या है ना, आप क्वेश्चन खुद देख सकते हैं अपनी बुक में से, ठीक है। चलिए वाला क्लास बच्चे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा, देखो सुनो, यहाँ पर बेटा हमें एक फिगर मेंशन है, और फिगर में मेंशन है कि ए बी और सी डी पोजीशन पर बेटा चार दोस्त बैठे हुए हैं, ठीक है, और चंपा और चमेली जो बेटा क्लास रूम में क्या कर रहे, घूम रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा देखा इस चीज़ को उन्होंने, तो उन्होंने कहा क्या ए बी सी डी स्क्वायर नहीं है, ठीक है। चंपा ने चमेली से पूछा क्या ए बी सी डी स्क्वायर नहीं है, लेकिन चमेली कहते डिसएग्री करती है। तो देखिए बेटा इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके बताइए क्या ए बी सी डी स्क्वायर है
या नहीं है, बताइए कौन राइट है, चमेली राइट है या आपका चंपा राइट है, ठीक है। तो उसके लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और ए बी सी डी के पहले तो हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, देन हम चेक करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से कि इनकी साइड्स इक्वल है और डायगनल्स इक्वल है तो ये स्क्वायर होगा, अदरवाइज स्क्वायर नहीं होगा। समझिए बात आ रही बेटा, नहीं आ रही है ना। ऐसा हमने एक एग्जांपल भी किया था, आपको अगर याद हो तो देखो। पहले बेटा देखेंगे यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स को अगर हम बात करें तो ए के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर देखो बेटा, एक्स यहाँ पर 3 है और वाई कितना आपका 4 है, तो इट विल गिव्स यू 3.4। एंड बी के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो बेटा बी कोऑर्डिनेट्स आपका ये रहा, यानी कि 6.7। सिमिलरली अगर सी की बात करें तो बेटा सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा यहाँ पर 9 और ये एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, 4 डिस्टेंस पे, यानी कि जगह 9.4 हो जाएगा आपका। एंड जो हमारा डी है, डी पॉइंट, दिस वन इज 6.1। ओके क्लास, इतनी बात समझ में आ गई सभी को, वेरी गुड। अब बेटा हमें क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूले से पहले हम चेक करेंगे ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी और ए डी आपस में इक्वल है कि नहीं है, और दूसरी बात देखना पड़ेगा अगर डायगनल्स भी इक्वल है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो चेक करते बेटा, देखो पहले निकालते हैं बेटा ए बी फाइंड आउट करते हैं, ए एंड बी, डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी को याद हो गया होगा अब तक तो, 6-3 होल स्क्वायर प्लस 7-4 होल स्क्वायर, इट विल गिव्स यू कितना बेटा, क्या मिलेगा आपको यहाँ से देखो, 6-3 करेंगे तो यू विल गेट 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 9 होता है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर मैंशन कर देता हूँ। 7-4 कितना होगा बेटा, 3, दिस वन इज ऑल्सो 9, तो आंसर कितना जाएगा बेटा, √18, और इसको हम लिख सकते हैं बेटा 3√2 यूनिट्स मैंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे बेटा आप निकाल लीजिए बी सी, निकाल लीजिए अब यहाँ से, और बी सी के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, सेम देखो 9-6 का होल स्क्वायर, स्क्वायर नॉट क्यूब, होल स्क्वायर प्लस 4-7 का होल स्क्वायर। अब बेटा देखना बात को समझना ध्यान से, आपको बेटा 9-6 कितना होता है, 3 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 9 होता है। सिमिलरली अगर मैं 4-7 को माइनस करूँ तो व्हाट विल यू गेट, -3, एंड द स्क्वायर ऑफ -3 इज ऑल्सो 9, तो ये तो बेटा सेम वैल्यू दे रहा हमें, यानी कि 3√2 यूनिट्स, अगेन वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू। ओके, उसके बाद बेटा निकालते हैं सी डी, निकाल लेते हैं सी डी डिस्टेंस। अब सी डी डिस्टेंस क्या है बेटा देखो, 6-9 का होल स्क्वायर प्लस 1-4 होल स्क्वायर। 6-9 इज -3 एंड द स्क्वायर ऑफ -3 इज 9, 1-4 इज ऑल्सो -3 एंड द स्क्वायर इज ऑल्सो 9, एंड यू विल गेट √18, अगेन 3√2 यूनिट्स। अब बड़ा एक लास्ट साइड और रहेगी आपके ए डी डिस्टेंस, अब ए डी डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। ए डी, ए डी के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा देखो, 6-3 स्क्वायर प्लस 1-4, अगेन यू आर गेटिंग द सेम वैल्यू, 6-3 is 3 एंड द स्क्वायर इज 9, 1-4 इज -3 एंड द स्क्वायर इज 9, अगेन वी आर गेटिंग √18, दैट इज इक्वल्स टू 3√2। अब बड़े अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऑल द साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रेटर फॉर्म बाय जॉइनिंग ए बी सी डी को ज्वाइन करके जो बन रहा है हमारा, ये चारों साइड तो बेटा इक्वल हो गए। अब बात आती है बेटा क्या ये स्क्वायर है, देखो चारों साइड्स तो बेटा रोम्बस की भी इक्वल होती है ना, तो रोम्बस तो हो गया, लेकिन बेटा एक कंडीशंस और होती है इसमें कि अगर ये डायगनल जो आपका बी डी, ये जो डायगनल आपका ये, इसकी लेंथ और ए सी, इसकी लेंथ भी अगर आपस में इक्वल हो गई तो ये आपका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो देखो बेटा अब यहाँ से निकालते हैं बी डी भी, निकाल लेते हैं बी डी। अब बी डी की वैल्यू कैसे निकली बेटा, देखो बी एंड डी, तो ये 6-6 ये तो 0 हो गया बेटा, प्लस 1-7 स्क्वायर, 6-6 तो बेटा 0 हो गया, ये तो आपका 0 हो गया, ठीक है। 1-7 क्या होगा बेटा आपका, 6 होगा, है ना, और -6 होगा, और -6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 36 होता है, तो इसको अगर हम रूट निकालते क्या आएगा, 6 यूनिट्स आएगा, ठीक होगी बात। अच्छा, ये तो आगे बी डी की बात।
अब वैसे ही बेटा आप निकाल दीजिए यहाँ से, AC भी निकाल दीजिए, अंडर रूट AC मीन्स ये 9-3 स्क्वायर प्लस 4-4। अब देखो बेटा 9 में से अगर 3 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 आएगा, और ये देखो 4-4 तो बेटा 0 हो जाएगा, ये अगेन यू आर गेटिंग 6 यूनिट्स। तो डैट मीन्स बेटा डायगोनल्स भी इक्वल हो गए और साइड्स भी इक्वल हो गए, दैट मीन्स ABCD इज अ स्क्वायर। और ये कह सकते हैं जो हमारी चंपा थी, चंपा ही ना बेटा, चंपा ने जो कहा था कि ABCD इज अ स्क्वायर, तो ये सच में ही आपके जो दोस्त है ना, चारों दोस्त, वो एक स्क्वायर फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो चंपा वॉज राइट, चमेली वॉज रॉन्ग। ओके, क्लियर और नॉट? तो हमें यहाँ से कंक्लूजन क्या मिलता है, फ्रॉम हियर वी गेट, बेटा यहाँ कंटिन्यू कर दूँ इसको मैं, इतना आपको समझ में आ गया, नोट डाउन कर लीजिए बेटा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स चंपा वॉज राइट, वॉज करेक्ट। ठीक बेटा, क्लियर बात होगी है ना? आप लिख सकते हो ना, आप देखो बेटा यहाँ पर जो ABCD और AD ये क्या है, आपस में सारे के सारे इक्वल है बेटा। ओके, एंड द डायगोनल्स BD एंड AC इज ऑल्सो इक्वल, दैट्स वे ABCD इज अ स्क्वायर। जो हमारी बात कह रही थी बेटा चंपा जी कह रही थी, जो बात वो बात करेक्ट थी। ठीक है, तो यानी ABCD क्या हो गया, आपका स्क्वायर हो गया। तो ऐसे ही बेटा आपने क्वेश्चंस को करना है, अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखते हैं तो। ओके, एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, ऐसा क्वेश्चन आया भी है एक बार एग्जाम में। ओके, तो कंटिन्यू करते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 6th क्वेश्चन की तरफ। टिल दैट पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए बेटा, अगर आप वीडियोस को देखते हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में ना हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला की, डीपली एक्सप्लेनेशन होगा, तो वो वीडियो भी जरूर आप देखेंगे। ठीक है बेटा, सारे पार्ट्स को आप देखेंगे तभी आपको पूरा चैप्टर क्लियर होगा, और कोई भी क्वेश्चन आज एग्जाम में आप उसको डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो बोला गया बेटा, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी ऑफ द एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको बेटा बताना है कि जो पॉइंट्स हमें गिवन है इससे कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेशन हो रहा है, और साथ के साथ आपको रीजन भी बताना है क्या रीजन होगा। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा बात सुनिए, पहले तो बेटा इनको हम मान लेते हैं ABCD मान लेते हैं। इसको मैंने A मान लिया, ये आपका B हो गया, इसको मैंने C पॉइंट, इसको D पॉइंट मान लिया। ठीक है, पहले तो बेटा डिस्टेंस फॉर्मेशन की साइड्स की लेंथ निकाल लेते हैं, उसके बाद चेक करेंगे कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। देखो रफली अगर मैं बनाऊँ यहाँ पर आपका फिगर, कुछ इस तरीके से मैं एक रफली बना देता हूँ। मैंने इसको A बोल दिया, मैंने इसको B बोल दिया, इसको C, मैंने इसको D बोल दिया। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट। ओके, अब बेटा सबसे पहले हम निकालते हैं बेटा AB की लेंथ निकाल लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं सर, निकाल लीजिए। ओके, अगर कोई भी क्वेरी हो बेटा जरूर बताया आप मुझे। ठीक है, देखो अब आपको पता है बेटा 1 में से अगर मैं -1 को ही माइनस करूँ तो प्लस हो जाएगा बेटा ये, तो 0 में से मैं माइनस करूँ -2 को ही, तो बेटा आपको पता है 0 ये प्लस में 2 हो जाएगा। और देखा जाए तो ओवरऑल बेटा ये हो जाएगा आपका 1+1 मीन्स 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। 0+2 इज 2, डेट मीन्स 2 का स्क्वायर अगेन इज 4। तो यू विल गेट, क्या मिलेगा बेटा आपको, 8 मिलेगा रूट के अंदर, और इसको हम लिख सकते हैं 2√2 यूनिट्स। इट्स क्लियर नोट? ओके, अगेन बेटा अगर हम बात करें BC की वैल्यू निकालें, तो BC के लिए भी आप ऐसे करेंगे सेम, -1 का स्क्वायर, 2-0 का स्क्वायर। अब बेटा देखो अगेन वही हमें मिल रहा है, -1 -2 हो जाएगा बेटा, और स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अगेन हमें सेम वैल्यूज मिल रही है, आप देखो बेटा √8, तो यू आर गेटिंग 2√2 यूनिट्स। इट्स क्लियर नोट? ओके, अब बेटा वैसे हम निकालते हैं यहाँ पर CD निकाल लेते हैं। CD जो होगा आपका -3, अगर बेटा -3 में से हम -1 को माइनस करें तो ये हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, देन प्लस ये हो जाएगा 0-2 होल स्क्वायर। अब बेटा देखिए अगेन आपको सेम चीज़ मिल रही है, देखो -3 है प्लस का 1, तो आपको मिलेगा -2 स्क्वायर, कितना आएगा 4 आएगा, -2 का स्क्वायर यहाँ पर भी क्या आएगा 4 आएगा, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर √8, दैट इज इक्वल टू 2√2 यूनिट्स। परफेक्टली क्लियर टू ऑल? डन। अब देखिए अब बात करते हैं बेटा यहाँ से AD निकाल देते हैं। AD इज जस्ट गिवन अप बाय -3
हो जाएगा प्लस का वन का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस, और बेटा माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाता है, ठीक है। अगेन बेटा आपको वही चीज़ मिलेगी यहाँ पर, फोर प्लस फोर यू आर गेटिंग रूट एट, और ये हो जाएगा आपका टू रूट टू यूनिट्स। इट्स क्लियर नोट, चेक इट आउट, डन, ठीक है। अच्छा आपने देखा क्या था यहाँ पर, फोर साइड्स तो आपकी इक्वल मिल रही है, फोर साइड्स तो आपकी इक्वल है, ठीक है, ओके। अब एक बार चेक करते बेटा, अगर डायगोनल्स भी इक्वल है तो स्क्वायर हो जाएगा, अगर नहीं इक्वल है ये डायगोनल्स जो आपकी तो ये रोम्बस हो जाएगा, क्योंकि चारों साइड्स तो इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे बेटा, यहाँ देखो, अब यहाँ से निकाल लीजिए आप ए सी निकाल लीजिए पहले, तो ए सी निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, माइनस वन में से अगर हम प्लस माइनस वन को माइनस करें तो प्लस वन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस टू, प्लस टू का होल स्क्वायर, ठीक बेटा। ये तो जीरो हो गया, और ये मिल जाएगा आपको कितना मिल जाएगा, 16 हो जाएगा आपका, यानी कि फोर यूनिट्स आ जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। अगेन यहाँ से बेटा बी डी भी निकाल लीजिए, बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, देखो ये होगा माइनस थ्री माइनस वन का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस जीरो, तो बेटा तो ये जीरो ही हो गया, तो ये भी आपको वही आ रहा है सेम आपका 16, यानी कि फोर यूनिट्स आ रहा है। तो यहाँ से कंक्लूजन ये मिलता है बेटा, देखो डायगोनल्स इक्वल है, चारों साइड इक्वल है, तो डेट मीन इट्स अ स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे हियर, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, एंड डायगोनल्स जो हमारी ए सी इक्वल्स टू बी डी, सो ए बी सी डी इज अ क्वाड्रेंट, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ओके। तो हम क्या सकते हैं बेटा यहाँ पर, रीजन मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, बिकॉज ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, आई थिंक बात समझ में आ गई बेटा। रीजन मैंने आपको बता दिया, ए बी सी डी क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, बिकॉज हेयर ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल डायगोनल्स एंड द डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल इन लेंथ, ठीक है बेटा। तो दैट्स वाई ये स्क्वायर बन गया, ओके। तो ये जो वर्टिसेस आपकी हैं, ये जो पॉइंट्स आपके हैं क्वेश्चन में, ये थे ना बेटा, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रेटर फॉर्म बाय दिस पॉइंट्स। तो बेटा क्या है कि देखो, ये तो हो गया कि आपका स्क्वायर फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये आपके पॉइंट हो गए, क्लियर हो गई बेटा बात, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो बेटा जरूर कमेंट करके बताएं। अब बात करते हैं बेटा इसके सेकंड पार्ट की, टिल दैट पॉज वीडियो टू रीड आउट। क्वेश्चन नंबर सिक्स का फर्स्ट पार्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया। बात करते हैं बेटा सेकंड पार्ट की, इसमें जो बेटा डायम जो हमें वर्टिसेस गिवन है उसको हमने ए बी सी डी मान लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर हम ए बी निकाले बेटा यहाँ से ए बी डिस्टेंस, तो कैसे निकलेगा बेटा आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ये हो जाएगा आपका थ्री माइनस का थ्री है तो प्लस थ्री हो जाएगा साथ में बेटा, स्क्वायर प्लस में वन माइनस फाइव का स्क्वायर। तो बेटा अगर ध्यान से देखा जाए तो ये थ्री प्लस थ्री तो सिक्स हो गया, और सिक्स का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 36 होता है, ओके। और ये हो जाएगा आपका माइनस फोर, तो माइनस फोर का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, तो ये आपको मिल गया 52 रूट। और उसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, टू रूट 13 यूनिट्स भी लिख सकते हैं, ओके ओके। अब बेटा इसमें क्या है देखो, अगर हम बात करें बी सी की, तो बी सी भी हमारा ऐसा जीरो माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस में थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर, ओके डन। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा नाइन, और ये हो जाएगा थ्री माइनस वन हमारा टू आएगा, टू का स्क्वायर इज फोर, इट विल गिव्स यू रूट 13 यूनिट्स, ओके। देन आप निकालेंगे सी डी, सी डी विल बी माइनस वन माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस में माइनस फोर माइनस थ्री का होल स्क्वायर, देन वट विल यू गेट, माइनस वन का स्क्वायर इज वन एंड माइनस फोर माइनस थ्री सेवन 49, ठीक है, ओके, क्लियर होगी बड़ा बात है, नहीं हो रही क्लियर, ठीक तो है बेटा, है ना। अब बेटा उसको क्या लिख सकते हैं आप, फाइव रूट टू लिख सकते हैं बेटा उसको हम, वेरी नाइस। आगे देखिए बेटा, अगर हम ए डी फाइंड आउट करते हैं ए डी, तो ये हो जाएगा माइनस वन प्लस थ्री, तो ये हो जाएगा आपका माइनस वन प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस में माइनस फोर माइनस फाइव का होल स्क्वायर, वट इट विल गिव्स, थ्री माइनस वन आपका आ जाएगा टू का स्क्वायर, यानी कि फोर हो जाएगा, और आपका आ जाएगा माइनस फोर माइनस फाइव नाइन, तो 81 आ जाएगा आपका, ठीक है, 85 minutes, 85 minutes। बेटा अगर यहां से देखा जाए तो बेटा कोई भी साइड जो है इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये बेटा सच, ये जो आपको है ना, इट विल बी अ क्वाड्रेटर, ये कोई स्पेसिफिक क्वाड्रेटर नहीं होगा, ये क्वाड्रेटर तो है बट नॉट अ स्पेसिफिक क्वाड्रेटर लाइक
स्क्वायर रेक्टेंगल एक्सेट्रा, ठीक है बेटा। ना इसकी चारों साइड्स बराबर है, ना इसकी अपोजिट साइड्स बराबर है, तो इसलिए बेटा ना पैलोग्राम की कैटेगरी में आएगा, ना रोम्बस आपका है ये आपका, ना ही आपका ये क्या कहते हैं स्क्वायर, ना ही रेक्टेंगल। तो लिखेंगे बेटा इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल बट नॉट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सच एज स्क्वायर रेक्टेंगल एक्सेट्रा, ठीक है। यहां पर देखा जाए बिकॉज हियर ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ठीक है बेटा। कोई भी साइड इक्वल नहीं है, सारी साइड्स क्या है यहां पर बेटा आपके अनइक्वल है, दैट्स वाई इसको कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दे सकते आप, ओके। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बात करते बेटा थर्ड पार्ट की, ओके लेट्स कंटिन्यू। ओके क्लास, अब बात करते हैं बेटा थर्ड पार्ट की, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो बेटा यहां पर हमें कुछ वर्टेक्सेस गिवन है किसी एक पार्टिकुलर क्वाड्रिलेटर की, तो उसको बेटा हमने नाम दे देते हैं, कोई बात नहीं, इसको हम नाम देते हैं ABCD, हमने नाम दे दिया, ओके। अब चेक करते हैं कि किस स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटर की है साइड्स या वर्टिसेस है आपकी, ठीक है। देखो पहले अगर हम AB फाइंड आउट करते हैं, AB डिस्टेंस, तो बेटा अब तो आपको समझ में आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, हाउ कैन वी कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, ओके। तो अब बेटा आपने क्या है ना 7-4 अगर हम करते हैं, यानी कि X2-X1 स्क्वायर प्लस 6-5 होल स्क्वायर, तो आपको क्या मिलेगा बेटा यहाँ से, ये मिलेगा आपको 7-4 कितना होगा बेटा 3 होगा, और 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9 होता है। 6-5 is 1, 1² is 1, इट विल गिव्स यू रूट 10 यूनिट्स इज द लेंथ ऑफ AB। अगेन बेटा आप BC भी निकाल सकते हैं यहाँ से, BC आपका हो जाएगा 4-7 स्क्वायर प्लस में 3-6 स्क्वायर, तो इट विल गिव्स यू, देखो 4-7 is 3, -3 square is 9, अगेन -3 square is 9, तो मिलेगा रूट 18, और रूट 18 को हम लिख सकते हैं 3√2 units, इट्स क्लियर नॉट, वेरी नाइस। ऐसे अगर बेटा हम CD वैल्यू फाइंड करें तो CD में क्या निकलेगा आपका, देखो 1-4 square प्लस 2-3 का स्क्वायर, 1-4 मीन्स -3, -3 square is 9, 2-3 is 1, -1, अगेन यू आर गेटिंग √10 units, ओके दैट्स इट। अब बेटा आगे देखते हैं और यहाँ पर AD निकालते हैं, AD की वर्टिसेस क्या है बेटा 1-4, ये होगा 1-4 square प्लस 2-5 होल स्क्वायर, देन आपको यहाँ से क्या मिलेगा बेटा 1-4 मीन्स -3, और -3 का स्क्वायर इज 9, 2-5 is -3, अगेन यू आर गेटिंग 9, √18, 3√2 units, ये आपका आ गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, अपोजिट साइड्स तो इक्वल आ गई, देखो ये और ये आपस में इक्वल, ये और ये आपस में इक्वल है, अच्छी बात है। अब एक बार बेटा चेक करते हैं क्या डायगनल्स भी इक्वल है, अगर डायगनल्स इक्वल भी है तो बेटा ये रेक्टेंगल बन जाएगा, अदरवाइज ये पैलोग्राम की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स तो इक्वल है, ठीक है। अब देखो बेटा डायगनल के लिए आपको निकालना पड़ेगा AC निकालना पड़ेगा, AC क्या बेटा A and C, 4-4 0 हो गया, अरे वाह, 3-5 2 हो जाएगा -2, तो ये तो हो गया बेटा 0, ये हो जाएगा 4, नहीं 3-5 2, तो आपका आएगा 2 units आ जाएगा यहाँ से, वेरी गुड। अब बेटा यहाँ से BD निकाल लीजिए, BD कितना रहा 1-7 स्क्वायर प्लस 2-6 स्क्वायर, 1-7 is -6 हो गया, और स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 36 हो जाएगा, अगेन 2-6 is -4 स्क्वायर इज 16, व्हाट यू आर गेटिंग 52, तो डेट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 2√13 units, है कि नहीं बेटा। तो देखा जाए डायगनल्स तो इक्वल नहीं है, लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल जरूर है, देखो ये वाले इसके इक्वल है और ये वाले इसके इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर अपोजिट साइड्स, यानी कि AB
इज इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल्स टू ए डी। तो इसका मतलब बेटा ये रेक्टेंगल तो नहीं है क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल है। अगर डायगोनल्स इक्वल होती तो रेक्टेंगल होता। तो क्या बन गया बेटा आपका, एक पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम में पता है बेटा अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो सो दैट क्या लिखेंगे बेटा, देयरफॉर दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके क्लास। और लास्ट में बेटा आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो बेटा, कोई क्वेरी हो, कुछ सजेशंस आप देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके बेटा, अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की। टिल दैट पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। अब बच्चे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखिए एक बार बच्चे, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। देखो बेटा आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट निकालना है। आपको पता है बेटा जब एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट की आप बात करते हो तो उसमें वाई तो जीरो होता है, ठीक है, जो कि क्या बेटा इन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर। सपोज कि मैंने पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर रफली बेटा बना दिया यहाँ पर, ठीक है, ये एग्जैक्ट पोजिशन नहीं है इनकी, 2, -5 है। दूसरा मैंने सपोज कि यहाँ पर बना दिया, ये क्या आपका -2, -9 है, ठीक है बेटा। वैसे जब बेटा आप इसको ड्रॉ करोगे कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में तो एग्जैक्ट पोजिशन उसकी उसके अकॉर्डिंग देखी जाएगी, लेकिन हम यहाँ पर रफली बता रहे हैं आपको। तो हमें क्या निकालना बेटा, हमें निकालना है एक्स एक्सिस के पॉइंट्स निकालने हैं जिसमें क्या बेटा आपकी डिस्टेंस क्या इक्वल है। तो इसको अगर मैं सी पॉइंट ले लूँ तो आपको क्या दे रखा है, आपको गिवन ये है कि भाई जो ए सी हमारा है वो किसके बराबर बेटा, बी सी के बराबर हमें गिवन है कि नहीं। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहते हैं बेटा, अगर मैं डिस्टेंस निकालो ए सी के बीच में तो कैसे निकालेंगे आप, 2 - x² -5 - 0 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू बी सी। और बी सी कैसे निकालेंगे बेटा, ये रहा बी सी, -2 - x का होल स्क्वायर प्लस में 9 - 0 का होल स्क्वायर, दैट्स इट। अब बेटा क्या करेंगे, काम करो स्क्वायरिंग बहुत दस है, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो बेटा ये रूट हट जाएगा, तो आपको मिलेगा ऐसे 2 - x का होल स्क्वायर, -5 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर बेटा 25, -2 - x का होल स्क्वायर ये बेटा 9 का स्क्वायर यानी कि 81, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिए बेटा, जो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 25। सेम बेटा यहाँ से आप क्या करेंगे, आप माइनस कॉमन हो जाएगा यहाँ से तो प्लस में रहेगा, तो ये जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस में बेटा जाएगा, सॉरी 2 नहीं होगा यहाँ पर, 4x हो जाएगा, यहाँ पर 4x आ जाएगा प्लस 81। क्लियर है कि नहीं बेटा। अब देखो बेटा एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर प्लस में तो एक्स स्क्वायर से तो बेटा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, 4 प्लस में यहाँ पर तो 4 यहाँ से 4 कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। अब क्या बच्चा हमारे पास माइनस का 4x प्लस में 25, अब इसको इधर ले आते हैं बेटा -4x हो जाएगा माइनस में 81 इक्वल्स टू में 0, तो इट विल गिव्स यू -8x 25 माइनस 81। अगर 81 में से 25 को हम रिमूव करें कितना बचेगा हमारे पास, 6 56 इक्वल्स टू 0। तो डैट मीन्स यहाँ से हमारे पास आएगा -8x इज इक्वल्स टू +56, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 56 डिवाइड बाई -8, तो इट विल गिव्स यू -7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आप पर, -7 आ गई। ओके तो पॉइंट क्या हो जाएगा x एक्सिस पे आपका, दैट विल बी -7, 0, ठीक है। देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस is -7, 0 is the answer, ठीक है क्लास। ओके तो ये करना बेटा, इक्विडिस्टेंस गिवन है तो आपने इक्विडिस्टेंस लगा दिया। अगर आपको दिक्कत आ रही है बेटा तो इस डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही ये वाला फॉर्मूला लगता है आपका, दैट्स इट, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। ओके डन, चलिए बेटा अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है बेटा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट्स। आपको मेंशन है बेटा p और q के बीच में डिस्टेंस आपको 10 यूनिट्स गिवन है, तो बताइए y की वैल्यूज क्या क्या होगी। देखो बेटा यानी कहने का मतलब ये है, आपको गिवन क्या है, PQ आपको 10 यूनिट्स ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दस मिनट। अब बेटा आपने क्या करना, P और Q के बीच में जब डिस्टेंस निकालेंगे आप तो आप कहेंगे बेटा 10 - 2 हो जाएगा ये आपका स्क्वायर प्लस में
वाई माइनस माइनस थ्री तो ये हो जाएगा प्लस थ्री हो जाएगा, बट आपका इसका स्क्वायर आप कर देंगे। ओके अब एक काम करो बेटा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें मिलेगा टेन माइनस टू कितना होगा बेटा, एट का स्क्वायर हो जाएगा आपका ही, और ये रहेगा हमारा वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा टेन का स्क्वायर हंड्रेड हो जाएगा आपका। तो ये तो हो गया बेटा 64, ठीक है, और प्लस में हो गया वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हंड्रेड। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट बेटा वाई प्लस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हंड्रेड माइनस 64। क्या मिलेगा बेटा यहाँ से आपको, ये मिलेगा बेटा आपका y प्लस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। चेक इट आउट, क्लियर है? तो यहां से मिल जाएगा हमें y प्लस थ्री इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 36, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। ओके तो y प्लस थ्री हमारा कितना आ गया बेटा, माइनस प्लस माइनस 6 आ गया। तो यहां से बेटा एक काम करो, पहले प्लस 6 लीजिए तो y की वैल्यू हो जाएगी यहां से आपकी 6 माइनस 3 यानी 3 आ जाएगी, ठीक है। और एक बार क्या करेंगे आप, एक बार माइनस साइन लीजिए तो मिल जाएगा आपको वाई यहां से माइनस सिक्स माइनस थ्री इक्वल टू माइनस नाइन, ठीक है। तो एक तो वैल्यू आ गया एक्स वाई की माइनस नाइन और एक आ गया आपके प्लस के थ्री। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो बड़े कमेंट जरूर करके जाए। ओके अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की, टिल दैट पॉज वीडियो नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन इज इफ क्यू 0.1 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स पी एंड आर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो बेटा आपने क्या दे रखा है, एक क्यू पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 0.1। अब बोल रहे बेटा एक पी पॉइंट आपका है, ये पी पॉइंट है तो उसकी कोऑर्डिनेट्स हम ले लें 5, -3 ले लेते बेटा उसका, ठीक है। और हमारा एक क्यू पॉइंट है उसके सॉरी क्यू नहीं आर पॉइंट है जिससे कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है x, 6 के बारे में बेटा, ठीक है। और मेंशन क्या बेटा, ये जो आपका जो क्यू पॉइंट है वो आर से और पी से इक्वल डिस्टेंस पे, यानी हमें क्या मेंशन है, हमें मेंशन है क्यू आर एंड क्यू पी के आपस में इक्वल। हमें क्या मेंशन बेटा, क्यू आर एंड क्यू पी आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद बोला ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर, और उसके बाद बेटा आपने क्यू आर डिस्टेंस और पी आर डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, क्यू आर एंड पी आर डिस्टेंस को। पहले एक्स की वैल्यू निकालते हैं बेटा, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे आप तो क्यू आर कैसे निकलेगा बेटा आपका, देखो एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर हो जाएगा बेटा आपका, प्लस 6 - 1 यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा वैसे तो ये आपका, इज इक्वल्स टू अंडर रूट अगेन 5 - 0 हो जाएगा बेटा आपका 5 का स्क्वायर। ओके क्लास, ये जगह -3 - 1 का स्क्वायर, क्लियर हो रहा बेटा, विजिबल आपको। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो मिलेगा x का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 6 - 1 यानी 5 का स्क्वायर 25, और ये हो जाएगा हमारा 25, अगेन यू आर गेटिंग बेटा -4 का स्क्वायर 16, 25 से 25 कैंसिल, दैट एक्स स्क्वायर हमारा जाएगा 16 के बराबर। तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू जाएगी बेटा कितनी जाएगी, +-4 हो जाएगी, कोई दिक्कत बेटा नहीं ना। एक बार आपने एक्स की वैल्यू प्लस लेनी, एक बार आपने माइनस लेनी है। अब बेटा हमें क्या निकालना है डिस्टेंस, हमें निकालना था क्यू आर डिस्टेंस निकालना है। अगर बेटा आपको क्यू आर निकालना है ध्यान रखना बेटा, देखो क्यू आर, तो बेटा क्यू आर के लिए क्या करना है, अगर मैं x - 0 करता हूँ स्क्वायर प्लस 6 - 1 स्क्वायर, चेक करना बेटा ध्यान से। अब बेटा सुनना ध्यान से, बात समझ, देखो क्या मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटा, x का स्क्वायर प्लस में 6 - 1 5 का स्क्वायर 25 लिख सकता हूँ। अब बड़े पास सुनो, अगर x की वैल्यू आप यहाँ पर नेगेटिव भी लेते हो या पॉजिटिव भी लेते हो आंसर तो आपका सही नहीं आएगा ना, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। तो इसलिए बेटा आप दोनों वैल्यूज में x की वैल्यूज पे ये आपको देगा 4 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 25, इट विल गिव्स यू 16 + 25, दैट मीन्स रूट 41 यूनिट्स इज द आंसर। ओके रूट 41 यूनिट्स इज द डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू आर। ओके अब बेटा अगर बात करें हम किसकी, पी आर की बात करें, ये डिस्टेंस हमें निकालना है। ओके तो इसके लिए बेटा आपको x की डिफरेंट वैल्यूज देनी पड़ेगी। अगर मैं x को लेकर चल रहा हूँ पहले प्लस 4, तो जो हमारा पी आर है वो कैसे निकलेगा, देखो बेटा अंडर रूट देखना बेटा यहाँ से, अभी मैं क्या लेकर चलो +4, -6 लेकर चल रहा हूँ, तो ये होगा 5 - 4 होल स्क्वायर प्लस में -3 - 6 होल स्क्वायर, तो ये जगह आपका बेटा 5 - 4 तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर नहीं 1,
और माइनस थ्री और माइनस सिक्स में बड़ा नाइन यानी कि 81 हो जाएगा आपका, जाएगा रूट 82 यूनिट्स आपका यहाँ से आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर बेटा हम x को लेकर चलते हैं यहाँ पर माइनस का 4, तब बेटा PR क्या बन जाएगा आपका, तो PR हो जाएगा आपका यहाँ से अगर उसको माइनस 4 लेता हूँ तो रहेगा 5 माइनस माइनस 4 तो प्लस हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस में माइनस 3 माइनस 6 का स्क्वायर अगेन यू आर गेटिंग बेटा ये तो हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 और ये भी हो जाएगा 81। तो देखा जाए तो बेटा जाएगा आपका 9√2 यूनिट्स। ओके क्लास, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। ओके क्लास, ओके डन, ठीक है। अब बेटा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.1। टिल दैट पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखिए क्लास, बात करते हैं द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.1। द क्वेश्चन इज फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स एंड वाई एक्स कोमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3.6 एंड -3.4। देखो बेटा हमें दो पॉइंट्स गिवन है। अब बोला गया एक्स वाई नाम का एक पॉइंट है बेटा यहाँ पर, एक्स कोमा वाई नाम का एक पॉइंट है, ठीक है बेटा। और सपोज कि हमने एक पॉइंट और ले लिया, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको 3.6, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने कहीं यहाँ ले लिया, वो कह रहा -3.4। अब बोल रहा है बेटा ये जो पॉइंट्स आपके हैं ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। क्या है बेटा ये, इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। किससे, इससे एक्स वाई पॉइंट जो आपका क्या है इक्वल डिस्टेंस पे, यानी कि ये और ये क्या आपस में इक्वल है। यानी अगर मैं इसको पी लेता हूँ, उसको मैं क्यू मानता हूँ, उसको मैं अगर आर मानता हूँ, तो बेटा आपको क्या दे रखा है, आपको गिवन ये है जो पी क्यू डिस्टेंस आपका है दैट इज इक्वल्स टू पी आर डिस्टेंस के बराबर है। तो बताइए एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, ठीक है बेटा। ओके, ये बेटा मैंने रफली बता रखा है आपको, ये जो कोऑर्डिनेट्स की लोकेशन जो है आपको पता नहीं कार्डेशियन प्लेन में कहाँ पर आएगी, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव में आएगा, ये आपका आएगा कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है बेटा। तो इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके डन, अब देखो बेटा बात सुनो। अब मुझे बोला गया है कि भाई ये जो एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट आपका है ये इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या आपस में इक्वल है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आपको आता ही है, तो क्या करेंगे बेटा आप यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, पी क्यू निकालेंगे तो क्या होगा आपका एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके अगेन ये हो जाएगा आपका वाई माइनस 6 होल स्क्वायर, इट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस 3 तो बड़ा प्लस 3 हो जाएगा आपका, देन वाई माइनस 4 होल स्क्वायर। ओके अब बेटा देखो स्क्वायरिंग, अब रूट में दोनों तरफ, तो हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। वी गेट हमें यहाँ से क्या मिलता है बेटा, देखो ये जगह आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर रहेगा यहाँ पर, और ये जगह बेटा y माइनस 6 होल स्क्वायर, अगेन यहाँ पर बेटा हो जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y माइनस 4 होल स्क्वायर। अब बेटा आपने आइडेंटिटीज लगानी है, आपने सॉल्व करनी, ये हो जाएगा a माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b यानी कि हो जाएगा 6x प्लस में 9, ये हो जाएगा आपका y का स्क्वायर माइनस में 12y प्लस में 36। पता ना बेटा कैसे करना है, इसको एक्स स्क्वायर ये हो गया 6x और ये हो गया आपका प्लस में 9, अगेन बेटा यहाँ पर ही वाई स्क्वायर और माइनस में 8x प्लस में 16, कोई दिक्कत नहीं। ओके अगर देखा जाए बेटा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर आपका इधर भी है, तो कैंसिल हो जाएंगे आपके, वाई स्क्वायर इधर भी है, वाई स्क्वायर इधर भी, तो ये भी कैंसिल हो गया बेटा आपका, ठीक है। 9 इधर भी प्लस में, 9 इधर भी प्लस में, तो ये भी कैंसिल कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। ओके और बाकी सबको बेटा एक साथ लेकर के आ जाइए, देखो सॉरी ये बेटा ना एक्स नहीं यहाँ पर वाई हो जाएगा ना, एक्स वहाँ से आ जाएगा यहाँ पर 8y। ओके अब बेटा एक काम करो सुनो, सबको इधर लिखा जाइए, जो है माइनस 6x हमारे पास यहाँ पर बचा, माइनस 12y हमारे पास बचा यहाँ पर, यहाँ पर बचा 36, इधर आएगा तो माइनस 6x प्लस 8y माइनस 16 इक्वल्स टू में 0, ठीक है बेटा। अब क्या करना है आपने लाइक टर्म्स को एक साथ देखे, माइनस 6 माइनस 6 तो ये हो गया आपका माइनस 12x हो गया, माइनस 12 प्लस 8 तो ये हो गया माइनस 4y हो गया, 36 माइनस 16 यू विल गेट 20 इक्वल्स टू 0, दैट्स इट। तो डैट मीन्स अब यहाँ से आप क्या करने वाले हैं, यहाँ से आपको कंक्लूजन मिलेगा बेटा माइनस 12x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 20। अब देखो बेटा काम करो, माइनस 4 को बाहर निकाल तो आएगा 3x प्लस में y इक्वल्स टू माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल,
देन यू विल गेट 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो ये आ गया बेटा आपका x एंड y के बीच में रिलेशन अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया गिवन टू इन क्वेश्चन नंबर 10। ओके बेटा, तो ये थे बेटा आपका एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेरी हो तो बेटा कमेंट जरूर करें। बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूलाज की, ठीक है, जिसमें हम आपको डीपली एक्सप्लेन करेंगे हाउ टू फाइंड आउट द रेशियोज, फाइंड आउट कैसे करेंगे और बाकी चीज़ें भी हम आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो ठीक है बेटा, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।